एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश इंडियन मॉम अनु। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा हेयर ग्रोथ है वो हमारे हेयर के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो उसके लिए हमें अपने हेयर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करना होगा, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो और हमारे हेयर्स हेल्दी और शाइनी दिखें। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आज हम बनाएंगे प्याज और करी पत्ता के रस का हेयर मास्क। इस मास्क को आपको अपने पूरे हेयर्स पे अप्लाई करना है। ये आपके हेयर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म कर देगा, जिससे आपके हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे प्याज। प्याज को मैंने छील के धो के उसको काट लिया है। मुझे इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। उसके बाद मैं इसमें 8 से 10 पत्ते करी पत्ता के लूँगी। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं इसे ग्राइंड करने के लिए प्याज के साथ डाल दूँगी और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। हमारा ये अनियन और करी पत्ता का पेस्ट तैयार है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी और इसका रस निकाल लूँगी। सो फ्रेंड्स, हमारा प्याज और करी पत्ता का जो रस है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें कुछ बूंदे कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल की डालूंगी और ये रेडी है अप्लाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। उसके लिए हम सबसे पहले अपने पूरे हेयर्स को अच्छे से कॉम कर लेंगे, जो मैं अपने हर हेयर वीडियो में करती हूँ, ताकि आपके हेयर्स डिटेंगल्ड हो जाए और आप जो भी मास्क, सीरम या ऑयल अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर आपके स्कैल्प और हेयर्स पर अप्लाई हो। उसके बाद मैं कॉटन की हेल्प से जो रस है वो अपने पूरे स्कैल्प और हेयर में अप्लाई कर लूँगी। हमें ध्यान ये रखना है कि जो ये रस है वो हमारे आईज में ना जाए। इसमें हमने प्याज का रस लिया है, जिसमें काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो आपके बालों में अगर कोई इन्फेक्शन या डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम है तो उससे भी कम करता है और आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है। सेकंड चीज़, इसमें हमने करी लीव्स लिया है। करी लीव्स का जो रस है वो भी आपके हेयर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और साथ ही साथ जो आपके डैमेज रूट होते हैं उनको भी रिपेयर करता है और उस जगह पे छोटे छोटे जो हेयर्स है उन्हें रीग्रो करता है और आपके हेयर्स के जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है। इस पूरे रस को आपको अपने पूरे हेयर्स पे अप्लाई करने के बाद इसे सूखने के लिए या कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद इसे शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद हल्की सी स्मेल रहती है, बट एक तो शैम्पू के बाद वो चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो मेथड मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। इससे आपके सारे बालों के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।